महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने के पश्चात एक तरफ सभी पांडव और पांचाल योद्धा शिविरों में विश्राम कर रहे थे तो दूसरी ओर संदेशवाहक के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर मरने से बचे हुए कौरव महारथी अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा तेज चलने वाले घोड़ों से जुटे हुए रथ पर सवार हो तुरंत ही दुर्योधन के पास आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मार गिराया गया है। खून से लथपथ हो दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा छटपटा रहा था। राजा दुर्योधन को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख कृपाचार्य आदि सभी महारथी मोह के वशीभूत हो गए। उस समय अश्वत्थामा की आंखों में अश्रु भर आए। वह सिसकता हुआ संपूर्ण जगत के राजा धीराज भरत श्रेष्ठ दुर्योधन से इस प्रकार बोले, राजन, नीच पांडवों ने अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म के द्वारा मेरे पिता का वध किया था, परंतु उसके कारण भी मैं उतना संतप्त नहीं हूँ जैसा कि आज तुम्हारे वध के कारण मुझे कष्ट हो रहा है। प्रभु, मैं सत्य की शपथ खाकर जो कह रहा हूँ मेरी इस बात को सुनो। मैं अपने इष्ट आपूर्त दान धर्म तथा अन्य शुभ कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज श्री कृष्ण के देखते देखते संपूर्ण पांचालों को सभी उपायों द्वारा यमराज के लोक में भेज दूंगा। तदंतर वन में रात को सोते हुए कौओं पर उल्लुओं का आक्रमण देख अश्वत्थामा के मन में सोते हुए पांडवों का वध करने का क्रूर विचार आया और उन्होंने अपने मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा को भी ऐसा करने का सुझाव दिया। इस बात पर कुलगुरु कृपाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, तात, जो सोए हुए हो, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिए हो, रथ और घोड़े खोल दिए हो और जिनके वाहन नष्ट हो गए हो, इस लोक में ऐसे लोगों का वध करना धर्म की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता है। आज रात समस्त पांचाल कवच उतारकर निश्चित हो मुर्दों के समान अचेत सो रहे होंगे। उस अवस्था में जो क्रूर मनुष्य उसके साथ द्रोह करेगा वह निश्चय ही विशाल नरक के समुद्र में डूब जाएगा। इसमें अश्वत्थामा कहते हैं, इस समय जो कुछ करना चाहता हूँ उसी को पूर्ण करने के उद्देश्य से उतावला हो रहा हूँ। इतनी उतावली में रहते हुए मुझे नींद कहा और सुख कहा। राजन, ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं की ओर चल दिया। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसी के मार्ग का अनुसरण करने लगे। प्रभु, वे तीनों पांडवों और पांचालों के उस शिविर के पास गए जहाँ सब लोग सो गए थे। शिविर के द्वार पर पहुंचकर महारथी अश्वत्थामा रुक गया। वहाँ उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशाल काय अद्भुत प्राणी को देखा जो द्वार रोककर खड़ा था। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस महापुरुष ने व्याघ्र का ऐसा चरम धारण कर रखा था जिससे बहुत अधिक रक्त चू रहा था। वह काले मृग चरम की चादर ओढ़े और सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल और मोटी भुजाएं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले प्रहार करने को उद्धत जान पड़ती थी। उनके बाजूबंदों के स्थान पर बड़े बड़े सर्प बंधे हुए थे तथा उसने मुंह फैला रखा था। वह भयानक पुरुष सहस्त्रों विचित्र नेत्रों से सुशोभित था। उसके मुख से, दोनों नासिकाओं से, कानों से और हजारों नेत्रों से भी सब और आग की बड़ी बड़ी लपटें निकाल रही थी। उसके तेज की किरणों से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो रहे थे। संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाले उस अद्भुत प्राणी को देखकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा भयभीत नहीं हुआ अपितु उसके ऊपर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। परंतु जैसे बड़ वानल समुद्र की जल राशियों को पी जाता है उसी प्रकार उस महाभूत ने अश्वत्थामा के छोड़े हुए सारे दिव्यास्त्रों को अपना ग्रास बना लिया। अश्वत्थामा ने जो जो बाण छोड़े उन सबको वह महाभूत निगल गया। अपने बाण समूह को व्यर्थ हुआ देख अश्वत्थामा ने प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दे दीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी। उसका अग्रभाग तेज से प्रकाशित हो रहा था। वह रथ शक्ति उस महापुरुष से टकरा कर उसी प्रकार विदीर्ण हो गई जैसे प्रलय काल में आकाश में गिरी हुई बड़ी भारी उल्का सूर्य से टकराकर नष्ट हो जाती है। तब अश्वत्थामा ने सोने के मुठ से सुशोभित तथा आकाश के समान निर्मल कांति वाली अपनी दिव्य तलवार तुरंत ही म्यान से बाहर निकाली। फिर बुद्धिमान द्रोण पुत्र ने वह तलवार उस महाभूत पर चला दी।
परंतु वह उसके शरीर में लगकर उसी तरह विलीन हो गई जैसे कोई नेवला बिल में घुस गया हो। तदंतर कूपित हुए अश्वत्थामा ने उसके ऊपर अपनी इंद्रध्वज के समान प्रकाशित होने वाली गदा चलाई, परंतु वह महाभूत उसे भी नील गया। इस प्रकार जब उसके सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वह इधर उधर देखने लगा। उस समय उसे सारा आकाश असंख्य विष्णुओं से भरा दिखाई दिया। अस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर कृपाचार्य के वचनों को बारंबार स्मरण करता हुआ अत्यंत संतप्त हो उठा और मन ही मन इस प्रकार कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हितकर वचन बोलने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता है वह विपत्ति में पड़कर उसी तरह शोक करता है जैसा कि मैं। इस समय अपने ही दुष्कर्म के कारण मुझ पर यह भय आ पहुँचा है। द्रोणाचार्य का पुत्र किसी भी प्रकार युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, परंतु क्या करूँ, यहाँ महाभूत मेरे मार्ग में विघ्न डालने के लिए देवदंड के समान उठ खड़ा हुआ है। मैं सब प्रकार से सोचने विचारने पर भी नहीं समझ पाता कि यह कौन है। निश्चय ही जो मेरी यह कलुषित बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त हुई है उसी का विज्ञात करने के लिए यह भयंकर परिणाम सामने आया है। इसीलिए आज मैं सर्वव्यापी भगवान महादेव जी के शरण लेता हूँ कि वे मेरे सामने आए हुए इस भयानक देवदंड का नाश करेंगे। प्रजानाथ, ऐसा सोचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा रथ की बैठक से उतर पड़ा और देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके खड़ा होकर स्तुति करने लगा और साथ ही कहने लगा, यदि मैं आज इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर विपत्ति से पार पा जाऊं, तो मैं सर्वभूतमय पवित्र उपहार समर्पित करके आप परम पावन परमेश्वर की पूजा करूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय जानकर उसके शुभ कर्म के योग से उस महामनस्वी वीर के आगे एक सुवर्णमयी वेदी प्रकट हुई। राजन, उस वेदी पर तत्काल ही अग्निदेव प्रकट हो गए और वही बहुत से महान गण प्रेत प्रकट हो गए जो सदा निर्भय होकर भगवान शंकर के भूभंग को सहन करने वाले थे। साक्षात भगवान शंकर भी प्रतिदिन उनके कर्मों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। तदापि महाबली अश्वत्थामा उन्हें देखकर तनिक भी व्यतीत नहीं हुआ। तदंतर हाथ में धनुष लिए द्रोण कुमार ने स्वयं ही अपने आप को भगवान शिव के चरणों में भेंट चढ़ा दिया। फिर महाक्रोधी प्रतापी द्रोण पुत्र ने सोम देवता संबंधी मंत्र के द्वारा अपने शरीर को ही उपहार के रूप में अर्पित कर दिया और बोलने लगा, भगवान, आज मैं आंगिरस कुल में उत्पन्न हुए अपने शरीर की प्रज्वलित अग्नि में आहुति देता हूँ, आप मुझे हविष्य के रूप में ग्रहण कीजिए। उसे हविष्य रूप से दोनों बाहें ऊपर उठाए निश्चेष्ट भाव से बैठे देख साक्षात भगवान महादेव ने हंसते हुए से कहा, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण ने सत्य सरलता त्याग तपस्या नियम क्षमा भक्ति धैर्य बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है, अतः श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई मुझे परम प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके मैंने श्री कृष्ण का सम्मान ही किया है, परंतु अब वे काल से पराजित हो गए हैं, अब इनका जीवन शेष नहीं है। महामना अश्वत्थामा से ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने अपने स्वरूप भूत उसके शरीर में प्रवेश किया और उसे एक दिव्य एवं उत्तम खड़क प्रदान किया। भगवान का आवेश हो जाने पर अश्वत्थामा पुनः संपन्न हो वह युद्ध में वेगशाली हो गया और फिर अश्वत्थामा ने उसी दिव्य खड़क से द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांडव समझकर धोखे से सोते हुए मार गिराया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।